हनुमानगढ़ जिले के नौर क्षेत्र में चुनाव 17 जनवरी को होने जा रहे हैं। सरपंच के चुनाव की सरगर्मियां हैं तेज। विकास और विरासत में से कौन जीतेगा? हाँ जी, ढील की जटान का चुनाव बड़ा ही रोचक दौर में पहुंच चुका है। एक पखवाड़े से भी अधिक समय की जदोजहद और कयासबाजी के बीच ग्राम पंचायत ढीलकी का चुनाव अपने प्रवान पर चढ़ डाला है। इसके साथ आने वाले शुक्रवार को सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। इस बार के चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ढीलकी के चुनाव की बात की जाए तो इस बार के चुनाव में विकास और विरासत का मुद्दा ज़्यादा हावी रहा है। एक और क्षेत्र के अग्रणी युवा समाजसेवी और विकास पुरुष सत्यपाल विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में हैं। दूसरी ओर उनके दोनों ही प्रतिद्वंदी अपनी विरासत को लेकर चुनावी दंगल जीतना चाहते हैं। ढीलकी ग्राम पंचायत के इतिहास में सत्यपाल व्यास अपनी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जबकि बाकी दोनों उम्मीदवार दो दो बार चुनाव पूर्व में चुनावों में जीत चुके हैं। इन चुनावों में दोनों के लिए हार जीत से भी ज़्यादा उनकी विरासत महत्वपूर्ण बन गई है। इसके अलावा अब तक हुए पंचायत चुनाव में पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में पहुंचकर श्री सत्यपाल व्यास को आशीर्वाद दे रही हैं, उनको वोट देने का अपील कर रही हैं, घर घर जाकर संपर्क कर रही हैं महिलाएं, और साथ ही वे बिना किसी भय और दबाव के अपने मत का इस्तेमाल भी करने की तैयारी में हैं। सत्यपाल व्यास के समाजसेवी कार्यों का यही कारण है कि आज पूरे ज़िले में इस चुनाव की चर्चा बच्चे बच्चे की जुबान पर है। इसलिए एक और जहाँ ग्रामीण विषय के वोट मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी उम्मीदवार लोगों को वरगलाकर वोट डालने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। लेकिन सत्यपाल व्यास के बढ़ते जनसमर्थन को देखकर गढ़ और चौधराहट दोनों डहते दिख रहे हैं। पिछले दिनों में यहाँ एक तरफ सत्यपाल व्यास का कारवां बड़ा है, वहीं दूसरी तरफ दोनों विपक्षी उम्मीदवार कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब इस गांव के नव निर्वाचित सरपंच को 26 जनवरी पर तिरंगा फहराने का भी मौका मिल सकेगा। ऐसा ही इस गांव की तस्वीर को देखकर, जनसमर्थन को देखकर लग रहा है महिलाएं बढ़ चढ़ कर इनके जनसमर्थन में लगी हुई हैं, और सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इन्हें आशीर्वाद देते नज़र आ रहे हैं। तो इस बार सत्यपाल व्यास के जीतने के पूरे आसार बने हुए हैं। गांव में रुझान भी यही दिख रहा है, इनका जनसंपर्क भी जोरों पर है। घर घर जाकर, गली गली जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, घरों के अंदर संपर्क कर रहे हैं, तो इनकी जीत सुनिश्चित लगती नज़र आ रही है। नौहर से कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी।